हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 9 जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के बारे में बात करेंगे। तो ये बता दें कि ये जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो अध्याय है, अध्याय 3 के अंतर्गत जो है आता है, जो कि बात करता है अध्याय 3 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक प्रतिकरण। तो दो बातें यहाँ पे निकल के आती है, एक तो दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन जो सेक्शन 9 बताता है यानी कि धारा 9, और दूसरी जुडिशियल सेपरेशन न्यायिक प्रतिकरण जो कि धारा 10 बताता है। अध्याय 3 के अंतर्गत दो धाराएँ सम्मिलित हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो धारा 9 है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस सूरिस। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले देखो धारा 9 किस बातों के बारे में ये बताता है, मतलब क्या चीज़ बताता है। तो मोटा मोटी हम लोग ये समझ लेते हैं कि देखो क्या होता है, पति पत्नी जो है आपस में रहते हैं, ठीक है, सहचर्य जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो जो है बिना किसी कारण के दोनों में से कोई एक जो है, ठीक है, तो वो बिना किसी कारण युक्तियुक्त कारण से वो अपना सहवास जीवन जो कि होता है, ठीक है, उससे दूर रहते हैं, ठीक है, यानी कि साथ साथ नहीं रहते बिना किसी कारणवश। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर पति जो है ऐसा करता है पत्नी के साथ, या पत्नी जो है पति के साथ, दोनों में से कोई एक जो ऐसा करता है बिना किसी कारण से जो है अपनी जो दाम्पत्य जीवन है उसका निर्वहन नहीं करता है, तो दोनों में से कोई एक जो है उसके विरुद्ध क्या करता है, न्यायालय में जो है जो क्या बोलते हैं उसको, याचिका, ठीक है, यानी कि अर्जी वो लगा सकता है कि भाई जिन जो अधिकार हमारे थे पहले, ठीक है, जिस तरह से हम रहते थे, ठीक है, तो उस तरह से वो हम पहले रह सकें, यानी कि अपनी अधिकारों का प्रत्यास्थापन कराने के लिए, यानी कि फिर से पहले जैसे कराने के लिए जो वो न्यायालय में जो है क्या करता है, याचिका दायर कर सकता है, यानी कि किसके लिए, पुनर्स्थापन के लिए दाम्पत्य अधिकारों की, ठीक है। और कहाँ पे ये ऐसे ही होगा, अभी हम बेरेक्ट को रीड करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू बता देते हैं। तो जिला न्यायालय में जो है जो फैमिली कोर्ट होगी, यानी कि पारिवारिक न्यायालय, जिला न्यायालय में या पारिवारिक न्यायालय में जो है यहाँ पर आवेदन किया जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका बेरेक्ट की लैंग्वेज क्या कहता है, बाकी तो हमने क्रक्स इसका बता दिया। देखो, जबकि पति या पत्नी में से किसी ने, दोनों में से कोई एक ने युक्तियुक्त प्रतिहेतु बिना, यानी कि जो है बिना किसी रिजनेबल कारण के जो है, ठीक है, एक दूसरे से दूर रहते हैं, सहचर्य जीवन नहीं व्यतीत करते हैं, प्रत्याहित कर दिया है, तो ऐसे में जो है जिनके विरुद्ध ऐसा हुआ है वो अपनी दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जो है जिला न्यायालय में, ठीक है, या जिसे फैमिली कोर्ट होगा वहाँ पर जो है याचिका वो कथन की सत्यता के बारे में जो है वो डाल सकता है, ठीक है। और ये जो है आवेदन मंजूर करने का कोई वैध आधार नहीं है, ठीक है, यानी कि ये कथित बयानों में जो सत्यता है इस बात की संतुष्ट हो जाने पर ही जो कोई कानूनी कारण नहीं है कि आवेदन मंजूर किया जाए, ठीक है। न्यायालय उस पीड़ित, जो पीड़ित है यानी कि जो याचिका करता है, उसके लिए जो है क्या करेगा, दाम्पत्य अधिकारों के जो पुनर्स्थापन है उसकी डिग्री जो है मंजूर कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं स्पष्टीकरण क्या करता है। जहाँ पर प्रश्न उठता है कि कोई सहचर्य से प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहोत, वहाँ युक्तियुक्त प्रतिहोत साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने सहचर्य से प्रत्याहरण किया गया है, यानी कि देखो साबित करने का भार किस पे होगा, ठीक है, साबित करने का भार यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि प्रश्न उठता है कि क्या सहचर्य के प्रत्याहरण के लिए युक्तियुक्त प्रतिहेतु है, यानी कि अगर मान लो कि जो है वो जो पत्नी है वो रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के जो याचिका न्यायालय में लेकर आ रही है, तो और वो बोले कि बिना किसी कारण से जो है उसका हस्बैंड जो उससे दूर रह रहा है, तो ये चीज़ प्रूव करने का कारण तो उसकी खुद ही पत्नी का होगा, ठीक है, कि वो जो है बिना ये दिखाना पड़ेगा वो बिना कारण उससे दूर रह रहा है, ठीक है। और बाकी तो कारण वो अगर दिखाना है तो उसके हस्बैंड का होगा, तो बिना किसी कारण के उससे युक्तियुक्त जो है दूर रह रहा है ये जो प्रूव करेगा कौन, उसकी पत्नी करेगी, ठीक है। तो कि जो है इसके संबंधित एक केस देख लेते, तीरथ सिंह कौर वर्सेस कृपाल सिंह पंजाब राज्य, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना वहाँ से।
और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे एक कमेंट है। कमेंट में क्या है कि भारत में पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार है, ठीक है, किसी कानून की ही देन नहीं बल्कि ये अधिकार विवाह जैसी अवधारणा में अंतर्निहित है। यानी कि ये जो ये कॉन्सेप्ट जो है मैरिज की इनहेरेंट ये कह लो कि उसकी अंतर्निहित में छुपा हुआ है कि पति पत्नी एक दूसरे की जो है साथ रहने का अधिकार है, ठीक है, और तो ये कोई कानून की देन नहीं है। ऑलरेडी जो है उसके जो कॉन्सेप्ट है उसमें ही निहित है, और ये नहीं कहा जा सकता कि जो जो ये धारा 9 है संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। ये बात जो है सरोजनी वर्सेस सुदर्शन कुमार, ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो यहाँ पे सीधे सीधे बोल देता है कि कौन सी जो केस है जिसमें बताया गया है कि जो ये अगर कोई पति पत्नी जो है आपस में जो है सहचर्य जीवन नहीं व्यतीत करते हैं तो वो जो है धारा 9 के जो है संविधान के 14 या 21 का उल्लंघन करती है, तो ये सरोजनी वर्सेस सुदर्शन कुमार के बाद में कहा गया, ठीक है। और ये चीज़ और बता दें कि जो कोई भी ये डिक्री के लिए याचिका दायर की जाएगी पुनर्स्थापन के लिए वो एक वर्ष तक यदि प्रवर्तित नहीं हो पाया है तो उसके आधार पर डाइवोर्स की मांग नहीं की जा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बचाव में जो दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए जो विरोधी पक्षकार हुआ वो क्या कर सकता है, यानी कि अगर पत्नी ने जो है ऐसा याचिका लेके आया तो पति क्या बचाव कर सकता है, उसके लिए 6 ग्राउंड दिए गए हैं, जैसे पति ने अपने प्रार्थी के सहचर से नहीं हटाया ये बोल सकता है, या सहचर से हटने का उसका रीजनेबल कारण हो, यानी कि रिस्पोंडेंट जो एक रीजनेबल एक्सक्यूज़ हो, ठीक है, ऐसे सोसाइटी से हटने के लिए, या जो रिस्पोंडेंट है, ठीक है, और पिटिशनर यानी कि प्रार्थी और प्रत्यर्थी के बीच मान्य विवाह अस्तित्व में ही नहीं था, ये भी वो कह सकता है, या जो रिस्पोंडेंट है उसकी कोई गलती है या जो अयोग्यता है इनकैपेबिलिटी वहाँ पे है ये भी दिखा सकता है, या याचिका दायर करने की अनावश्यक अनुचित विलंब हुआ हो, ठीक है, यानी कि एक वर्ष के भीतर हुआ तो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, याचिका प्रत्यर्थी के साठ गांठ के करके पेश की गई हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये चीज़ नहीं होने चाहिए, और वो बचाव ले सकता है कौन, जो है विरोधी पक्षकार। अगर पत्नी ने याचिका लेके आया तो विरोधी पक्षकार उसका पति होगा, और पति ने लेके आया तो विरोधी पक्षकार उसका जो है उसकी पत्नी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए जो है पति या पत्नी में से दोनों में से कोई एक जो है जो फैमिली कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय के अंतर्गत आता है वहाँ पे याचिका ला करके जो है वो ऐसा कर सकती है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा, अगर ये वीडियोस अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल में नए वीडियोस हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।